हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जॉन अब्राहम के फैंस के लिए है। तो दोस्तों, आप जॉन अब्राहम सर के ट्रू फैन है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉन अब्राहम अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं। हाल ही में दोस्तों, उनकी जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म मुंबई सागा फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया और दर्शकों की तरफ से इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी मुंबई सागा। जी हाँ दोस्तों, इसका एक छोटा सा सॉन्ग भी रिलीज किया था यो हनी सिंह का, वो भी ट्रेंडिंग की नंबर वन की पोजीशन पर है। दोस्तों, मुंबई सागा फिल्म के अंदर उन्होंने एक गैंगस्टर का रोल किया है। उसके अलावा दोस्तों, एक विलन रिटर्न फिल्म के अंदर भी उनका एक अहम रोल रहने वाला है। उस फिल्म के अंदर भी एक विलन का रोल करते नजर आएंगे। दोस्तों, उस फिल्म के अंदर तारा सुतारिया, दिशा पटानी और अर्जुन कपूर देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो उस फिल्म को डायरेक्शन देने वाला है मोहित सूरी। और दोस्तों, हाल ही में जॉन अब्राहम उनकी आने वाली फिल्म पठान फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। जी हाँ दोस्तों, पठान फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म रहने वाली है और उस फिल्म के अंदर बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, सलमान खान भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों नंबर वन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगी। हाल ही में दोस्तों, पठान फिल्म की शूटिंग दुबई में हो रही है और उस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे सिद्धार्थ आनंद। एक्शन और थ्रिल से भरपूर है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले फोर्स 3 फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फोर्स 1 और फोर्स 2 ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। और दोस्तों, फोर्स 1 फिल्म के अंदर जॉन अब्राहम ने एक ईमानदार एसीपी यशवर्धन का रोल किया था, पुलिस ऑफिसर। और दोस्तों, उनके ऑपोजिट हमें माया के रोल में जेनेलिया डिसोजा देखने को मिली थी, उनकी गर्लफ्रेंड का रोल करती हुई नजर आई थी। और दोस्तों, उस फिल्म के अंदर विलन का रोल किया था विद्युत जामवाल ने। दोस्तों, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी। उसके बाद दोस्तों, मेकर्स 2016 में फोर्स 2 लेके आए। उस फिल्म के अंदर हमें नेक्स्ट लेवल का मिशन देखने को मिला और दोस्तों स्टार कास्ट भी पूरी की पूरी चेंज कर दी गई। उस फिल्म के अंदर जॉन अब्राहम के ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिली थी और दोस्तों 41 करोड़ के बजट में बनाया था और उस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 85 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था। अब दोस्तों, मेकर्स नए मिशन पर जा रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट मिशन। और दोस्तों, फोर्स 3 फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म की स्टोरी पर काम चालू कर दिया है। और दोस्तों, डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भी डायरेक्शन देने वाले हैं अभिनय दियो, जिन्होंने फोर्स 2 फिल्म को डायरेक्शन दिया था। और दोस्तों, स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें जॉन अब्राहम के ऑपोजिट फिर से एक्शन करती नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस फिल्म के अंदर विलन का रोल करते नजर आएंगे विकी कौशल। जी हाँ दोस्तों, विकी कौशल की यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन किया था। और दोस्तों, जिस तरह से जॉन अब्राहम सर की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और दोस्तों जिस तरह से वो फिल्म साइन कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब उनके करियर के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। और दोस्तों, एक जबरदस्त गुड न्यूज तो ये है कि सलमान खान की फिल्म ईद पर आने वाली है राधे। इस फिल्म के साथ जॉन अब्राहम क्लैश करने जा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म के साथ। तो दोस्तों, आप सत्यमेव जयते 2 और राधे ये दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे और कौन सी फिल्म बाजी मार जाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है जॉन अब्राहम की फिल्म्स के लिए और कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले।